हमारे और आपके बीच में ये दरिया और पुल है, या तो इस तरफ आ जाएं, या हमें उस तरफ आने दें। वो चाहते हैं या तो हम उस तरफ चले जाएं, या वो इस तरफ आ जाएं। उनको बोलो आने को। हम मौत को गले लगाने से नहीं डरते, हम उस तरफ जाएंगे। आप दोबारा गौर करें अबू उबैद, ये ठीक नहीं है। या अबू उबैद, वो अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर हमारी फौजों ने पुल पार करने की कोशिश की तो वो इंतजार नहीं करेंगे, वो हम पर दरमियान में ही हमला कर देंगे। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम डरते हो? अगर हमने पुल पार नहीं किया तो वो समझेंगे कि हम कमजोर हैं, इससे उनका हौसला बढ़ जाएगा और ये उनकी आधी फतह होगी। मैंने फैसला कर लिया है, और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ए लोगो, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हैं, तो जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करें। बेशक हमने पुल की लड़ाई जीत ली है, लेकिन उसमें हमारे 6,000 आदमी हलाक हो गए, जबकि मुसलमान तो उस पुल के छोटे रास्ते में फंसे हुए थे। तो फिर क्या होगा कि अगर हम उनसे खुले मैदान में जंग करेंगे या उन्होंने पुल के इस तरफ आने से इनकार कर दिया होता तो क्या होता उसके बाद? और क्यों हमारे सिपह सालार बामन इतने बड़ी फौज लेकर अलमदाइन से वापस आ गए, जबकि हम मुसलमानों का पीछा करके, जो कि कमजोर हो गए थे, वहीं के वहीं खत्म कर सकते थे। इन्होंने छोटी टुकड़ी को उनका पीछा करने के लिए भेजा, जबान और मर्दान शाह के साथ। फतह दिलाने के लिए वो बहुत कम थे और शहादत के लिए बहुत ज्यादा, और ये रहा उसका नतीजा कि हमारी फतह भी शिकस्त में बदल गई, क्योंकि इसमें हमने अपने 2 बड़े सिपह सालार खो दिए, जबान और मर्दान शाह। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बहमन ने अपनी बड़ी फौज को वापस बुला लिया और हमें इस बड़ी जीत से महरूम कर दिया। मैंने सोचा था कि मुसलमान जंग में शिकस्त के बाद इस लायक नहीं बचे होंगे कि जबान और मर्दान शाह की फौज का सामना कर सकें, और अब यकीन हो चला है कि हालातों का सही जायजा नहीं लिया। आप हकीकत क्यों नहीं बताना चाहते सिपा सालार? क्यों नहीं बताते कि वजीर उकायदा रुस्तम ने खत लिखकर आपको वापस बुलाने का फरमान दिया? अगर मुझे अमीर और सिपह सालारों की साजिशों का पता न चलता, मैं वही करता जो आपने कहा। मगर हमारा सामना एक वक्त में 2 दुश्मनों से है, दोनों ही आपस में जुड़े हैं। एक तरफ बाहरी मुसलमान हैं, दूसरी तरफ अंदरूनी मुल्क दुश्मन। तो क्या आप बताएंगे कि कौन है ये अमीर और सिपह सालार? तो आप उनका नाम क्यों नहीं बताते ताकि हम उन्हें हिरासत में लेकर कत्ल कर दें? और यह आपका मतलब मुझसे है? आप मुझसे ज्यादा शहजादी के वफादार नहीं हैं। अगर आपके पास कोई भी दलाइल है कि मैं गद्दार हूं तो सबूत पेश करें, या फिर मैं खुद को मलिका के सुपुर्द करता हूं। बस बहुत हो चुका। आप लोगों के ये इख्तिलाफ हमारे मुल्क के लिए खतरा बन गए हैं। मैंने आप दोनों में अपना यकीन दिखाया, तो जान लो मैं आप दोनों में से किसी की तरफदारी नहीं करूंगी, चाहे आप दोनों आखिर तक कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें। अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो मैं खुद इस तख्त को छोड़ दूंगी, फिर आप लोग जैसा चाहो वैसा करते रहना। मैं इस मुल्क के हालातों का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराना चाहती। क्या आप मस्जिद जाएंगे ये पहनकर? क्या ये लिबास काफी नहीं मुझे सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए? मेरी हैसियत के हिसाब से मेरे ये 2 लिबास काफी हैं, दूसरे का भी यही हाल। तो आप अपने साहबाओं से कह सकते हैं कि वो आपको तीसरा भी दे दें। ना वल्लाही मैं ये नहीं करूँगा। और आप क्या घर में नमाज कायम नहीं करेंगी? आप जानती हैं मुझे क्या पसंद है। आप मुझे जमात से रोक रहे हैं, और इस बात से कि अमीर मुमिनीन अपने लोगों को खिताब करेंगे। ऐसा है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ दिन की नमाज, फज्र और ईशा की नमाज के लिए नहीं। आपका मतलब ये कोई रुकावट है? उमर अब उस पर रोक लगाएंगे जिसकी इजाज़त रसूलुल्लाह ने दी है। आपने फरमाया औरतों पर रोक न लगाओ मसाजिद में जाने से, तो कौन पहले जाएगा, आप या मैं? बेहतर यही होता है कि लोग इमाम से पहले मस्जिद में दाखिल हों। या अमीरुल मोमिनीन, लोग ज्यादा दहेज मांग रहे हैं और हम शादी नहीं कर पा रहे, क्या आप कुछ करेंगे? है लोगो, कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि लोग ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, इससे लोगों को शादी करने में दिक्कत पेश आ रही है, खासकर जवान लोगों को। लोगों को इससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, जो मुझे लगता है 400 दरहम, चाहे उनमें तुम्हारे किसी सरदार की बेटी ही क्यों ना हो। जो कोई भी ज्यादा मांगेगा मैं उससे लेकर बैतुल माल में जमा कर दूं। क्या ये क्या कहा? ये आपके हाथ में नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप पहली बीवी के बदले दूसरी बीवी लाना चाहते हो, और जो माल आपने पहली बीवी को दिया है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही क्यों ना हो, उससे वापस नहीं ले सकते। तो क्या आप वो माल वापस ले लेंगे ये सोचकर कि उससे नाइंसाफी बढ़ेगी और अजाब आएगा? तो आप भला कैसे धमकी दे सकते हैं कि जो भी ज़्यादा माल है वो आप लेकर बैतुल माल में जमा करा देंगे। इस मामले में औरत सही है और यह आदमी गलत। अल्लाह मुझे माफ़ करे। हर किसी को मामलात की जानकारी है। ऐ लोगो, मैं अपने कहे अल्फाज वापस लेता हूँ। जो कोई भी अपनी खुशी से जो कुछ देना चाहता है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जो कोई भी इन नौजवानों की मदद के लिए आगे आएगा अल्लाह भी उनकी ऐसी मदद करेगा इंशाअल्लाह। वो अब्दुल्ला इब्न जैद हैं, इराक में अबू वायदा के साथी। क्या खबर लाए हो अब्दुल्ला? जो खबर मैं लाया हूँ या अमीरुल मोमिनीन, नमाज के बाद बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रहम करे अबू उबैद पर। अगर वो अपना मकाम छोड़कर मेरे पास आते ये बताने कि उनकी तादाद रोमियों के मुकाबले कुछ भी नहीं, मैं उनके लिए मदद भेजता और मैं लोगों से कहता कि उनसे जुड़ें। जहाँ तक अल-मुथन्ना की बात है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उन्हें अपनी नेमतों से नवाजे। उन्होंने हर मौके पर ख़ुद को साबित किया है। इससे पता चलता है कि वो आला नसब से हैं और दलील और अमाल में भी अफजल हैं। वो इराक़ में तब से जद्दोजहद कर रहे हैं जब हमारी फ़ौजें भी वहाँ ना थीं। उसके बाद वो मातहत लड़े खालिद के और बाद में अबू उबैदा। उन्होंने ख़ुद के लिए कभी क़यादत नहीं मांगी, हालांकि वो फ़ारसियों के साथ सामने से लड़े। वो वल्लाही हम उन्हें रुसवा नहीं करेंगे। जो भी आज उन्होंने मदद की दरख्वास्त की है, हम उन्हें एक के बाद एक फ़ौज भेजेंगे और एक के बाद एक लश्कर, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही क्यों ना जाना पड़े। सभी लोगों को जिहाद के लिए इकट्ठा करो, वो जहां कहीं भी हैं उन्हें बुलाओ। हमने सोचा था कि हम 10 साल तक इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, लेकिन फिर हमने खुसरो परवेज के बेटे को ढूंढने की कोशिश की जो कहीं खो गए थे। फिर हमें मालूम हुआ कि बाकी बचे लोगों में से खुसरो परवेज का पोता यजदिगर्द भी है, शहरियार का बेटा, जिनका कत्ल उनके भाई शर्वे ने किया था। उनकी माँ उन्हें लेकर कहीं चली गई और अपने खानदान के पास इस तखर में कहीं छुपा दिया। वह आखिरी चिराग हैं खुसरो नस्ल के और ससान। मैंने फैसला किया कि मैं 10 साल तक इंतजार नहीं करूंगी। मुझे एहसास हो गया कि यहाँ के अकायद और यहाँ के लोग तब तक एक साथ जमा ना होंगे जब तक कि एक मजबूत इंसान इनकी क़यादत ना करे। इस तरह ये लोग किसी औरत को मेरी तरह बरगला नहीं पाएंगे। अगर किसरा का तख्त तो उसको मिल जाता है जिस पर वाकई उसका हक है, तो इन अलकायद को तख्त हथियाने की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी और फिर ये अपने कामों को सही अंजाम देंगे। जंग और जंग के अलावा कुछ भी नहीं। मैंने कोशिश की, मेरा और कोई फायदा नहीं था सिवाय इस मुल्क को बचाने के और इसकी बादशाहत को। लेकिन और ये भी जितना मुझसे हुआ मैंने किया इस मुल्क की आन बान और शान को बचाने के लिए और इस रियासत को जो हजारों साल पुरानी है कि इस मुल्क का नाम रहती दुनिया तक कायम रहे। यहां से बहुत दूर मुसलमानों की रियायत है। सूखे रेगिस्तान में गरीबी, कच्चे मकान और बुरे हालात हैं। वहां उनका एक बादशाह है जिसे वो खलीफा कहते हैं, जो सारे मसाइल देखता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि उसने हमें शिकस्त दी। यही सही होगा कि मैं यहां से इस्तीफा देकर अपने ही ख्यालों में खो जाऊं। काश मैं उस इंसान को एक बार देख पाती जिसने मुझे शिकस्त दी, ये जानने के लिए कि वो किस तरीके का इंसान है, ये जानने के लिए कि उनकी जीत उनके सिपाहियों की वजह से हुई या उनके सिपाही उनकी वजह से जीते। यह जीत का सेहरा दोनों पर है। ऐ नौजवान, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? अमीरुल मोमिनीन, आइए ना अमीरुल मोमिनीन, बैठ जाइए ना। तुम सवारी करो और मैं पीछे बैठूंगा। लोग आपको पीछे बैठे देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम मुझे आरामदायक जगह पर बिठाना चाहते हो और खुद पीछे बैठना चाहते हो। वही करो जो कहा है। बस रुक जाओ, तुम जा सकते हो। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा जब तक आप लौट कर वापस नहीं आ जाते। बारकल्लाह, तुम जा सकते हो। जब से तू पैदा हुआ है तेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आखिर तुझे मालूम हो तो वो अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं यहाँ सदके के ऊँट और उनके चारे का जायजा लेने आया था। कैसे है ये? जैसा आपने कहा था अमीरुल मोमिनीन, हमने किसी भी ऊँट को यहाँ आने और चरने से नहीं रोका। और लोगों के बीच फर्क तो नहीं किया? नहीं, सभी के ऊँटों को बराबर चारा और पानी दिया जा रहा है। यही ठीक है। ये जगह मुसलमानों को दी गई है, तो क्या ये सदके के ऊँट और लोगों के ऊँटों के लिए काफ़ी है? हाँ, अब तक तो हम उनकी बारी के हिसाब से उनको चारा पानी देते हैं, लेकिन अगर सदके वाले ऊँट और लोगों के ऊँटों की तादाद बढ़ी तो यह जगह कम पड़ेगी। वो किसकी जमीन है? वो बिलाल इब्ने अल हारिथ की है। उस वक्त उनको अता की थी रसूलुल्लाह ने। इस जगह पर कोई पेड़ या खेती क्यों नहीं करता? यह बड़ी जगह है। बिलाल इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल में लाए, बाकी ऐसे ही छोड़ा है। वो इतनी बड़ी जगह की देखभाल नहीं कर पाते। जब वो कहीं मिल जाए तो उनसे कहो मुझसे आकर मिले। अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, वल्लाही या अमीरुल मोमिनीन, ये तो हवा से गिरी है। ना तो मैंने हाथ से तोड़ी है ना पत्थर मारकर। वल्लाह, तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा। क्या नाम है? सिनान इब्ने सलम अल-हुदैली। या अमीरुल मोमिनीन, वो बच्चे आ जाएंगे और मुझसे खजूरें छीन लेंगे। वल्लाह नहीं लेंगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ। इन खजूरों का तुम क्या करोगे? मैं इनमें से कुछ अपनी अम्मी को दूंगा और कुछ बहन को। बराबर? बराबर, वल्लाही बराबर। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा कसमें खा रहे हो? इसीलिए ताकि अल्लाह मुझे किसी बात का जिम्मेदार न ठहराए। ये तुम्हें किसने सिखाया? अम्मी। वो हमेशा मस्जिद में नमाज अदा करती है और मुझे कुरान भी सिखाती हैं। वाकई तुम्हारी माँ बहुत साले, जिनका इतना फर्माबरदार बेटा है। लेकिन इतनी ज्यादा हलफ ना उठाया करो, ये तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाएगी। मैं ख्याल रखूंगा अमीर अल मोमिनीन। क्या तुम मुझसे वादा करते हो? हाँ वादा, वल्लाह। मैं भूल गया वल्लाह। तुमने अब तक अपने अब्बा के बारे में नहीं बताया। वो इराक में है फौज के साथ। वाकई कैसे अमीर अल मोमिनीन अपने अहकामात भूल गए। ये मेरे हिस्से से है अमीर अल मोमिनीन। तुम मुझे अपने हिस्से से दे रहे हो? ठीक है, एक ही लूंगा। अल्लाह उस घर में बरकत करे जिस घर में इंसान जिहाद पर है और इतनी सालिहा बीवी है और इतना मुबारक बेटा है, इंशाअल्लाह। जरा अपनी अम्मा को यहाँ भेजो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है। अम्मी, अम्मी। अमीर अल मोमिनीन, क्या मेरे बेटे ने कोई गलती की? नहीं, आपने बड़े अच्छे से परवरिश की है। मुझे पता चला कि आपके खाविंद यहाँ नहीं है, तो आप मुझे बताएं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हम ठीक है अमीर अल मोमिनीन, हमारा वजीफा वक्त से पहुंच जाता है क्योंकि अमीर अल मोमिनीन उनका ख्याल रखते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों का ख्याल रखूं। बहन, जिन औरतों के खाविंद जिहाद पर गए हैं, अगर उनके साथ कुछ खरीदने या बेचने में ज्यादती हो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जो कोई भी कुछ बाजार से खरीदना चाहता है वो अपने बच्चों या खाविंद को मेरे साथ भेजे, तो मैं उनके लिए वो ज़रूरती सामान खरीद दूंगा। आपको कुछ चाहिए? अस्सलाम अमीरुल मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है लोगों का बाजार में? कौन हिमाकत करेगा धोखा करने की, कौन हिमाकत करेगा धोखा करने की, जिसकी निगहबानी शिफा बिनते अब्दुल्ला करती है और अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब हूँ। मैं आपके साथ बहुत सारे बच्चे देख रही हूँ जिनके वालिद हमेशा की तरह इनसे दूर हैं। अमीरुल मोमिनीन, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इनके कामों को आपस में बांट लें। कुछ बच्चों को आप अपने साथ ले जाएं और कुछ बच्चों को मैं। इस तरह खरीदारी का काम भी जल्दी हो जाएगा और आपका वक्त भी खराब नहीं होगा। जो कोई भी शिफा के साथ जाना चाहता है वो जाए। क्या हुआ, मेरे साथ नहीं जाओगे? मैं तो खुद बाजार की निगहबान हूँ। अभी सारे बच्चे आपके हवाले हैं, मेरे साथ कोई नहीं जाना चाहता। जैसा लोग हमेशा कहते हैं, अच्छे हैं अमीरुल मोमिनीन। बल्कि आपको कहना चाहिए कितने सख्त हैं। ये आपका अपना नजरिया है, मैं इसमें यकीन नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने मुझे बुलाया या अमीरुल मोमिनीन? बैठ जाओ बिलाल, बैठ जाओ। मैं उस ज़मीन के टुकड़े के बारे में बात करना चाहता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी। क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ, सही कहा, वो ज़्यादा बड़ी है और मैं उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहा। तो ठीक है, तुम जितने की देखभाल कर सकते हो उसे अपने पास रखो और जिसके नहीं कर सकते उसे हमें वापस कर दो ताकि हम उसे मुसलमानों में बराबर तकसीम कर दें। वल्लाही मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, वो रसूलुल्लाह ने मुझे दी है। तुम तो जानते हो रसूलुल्लाह के पास जो भी अर्जी लेकर गया उसे मना नहीं करते थे। उन्होंने आपको इसीलिए दी क्योंकि आप उसकी देखभाल कर सके और इससे तुम्हें और तुम्हारे लोगों और गरीब लोगों को भरपूर खाना मिल सके। यही मेरा मकसद है। ज़कात भी ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के लिए जाती है। अगर आप उस ज़मीन की या टुकड़े की देखभाल नहीं कर सकते तो मकसद नाकामयाब हो गया। उससे ना तो आपको कोई कमाई हो रही है और ना दूसरों को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे सही करो। वल्लाही आपने सही बात कही, तो मैंने जो तुमसे कहा वही करो, बात खत्म। क्या आपको आज भी लगता है कि इतने महीनों बाद बादशाह रूम हमारे लिए मदद भेजेंगे ताकि ये घेरा तोड़ा जा सके? घरों और बाजारों से खाने पीने का सामान लगभग गायब हो चुका है। भला वो लोग हमारी परवाह क्यों करेंगे? उन्होंने तो पहले ही अपनी तिजोरियां भर रखी हैं ताकि बाद में उन्हें कोई परेशानी पेश न आए। भला कब तक ये घेराबंदी खत्म होगी? तो क्या हम मुसलमानों का इंतजार करें कि वो जबरदस्ती अंदर घुस आए और तब वो हमें वो हकूक हासिल होंगे जो एक सिपाही के होते हैं? अगर इसका नतीजा वही रहने वाला है तो क्यों ना हम ये अमनो अमान की बात छोड़ के अपने खानदान और मिल्कियत को महफूज करने की सोचें ताकि उनकी हिफाजत हो सके। मेरा डर है कि अगर उन्होंने रोमियों को हरा दिया तो यहाँ लोग अपनी मर्जी से उनका दीन चुन लेंगे और ये शुरू भी हो चुका है। तो इसमें गलत क्या है? कोई अपनी मर्जी से किसी का दीन चुनता है जब तक कि उसमें ज़बरदस्ती ना हो। अगर हम मुसलमानों के खिलाफ रोमियों का साथ देते हैं और रोमियों की नाइंसाफ़ी को मुसलमानों के इंसाफ पर तरजीह देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अपना दीन अपनी मर्जी से ना चुने, तब हम भी उस मजबूरी का शिकार होंगे। और तुमने क्या चुना है? हाँ, मैं मुसलमान हूँ और मैंने उनके दीन का मतलब तब जान लिया था जब हमारे यहाँ इस घेराबंदी की शुरुआत हो गई थी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो यह आप लोगों का अपना ज़ाती मामला है। मैं आपको वही सलाह दूंगा जो मैंने अपने घर वालों को दी। चल, मैंने कहा चल चल यहां से। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। जाने दो मुझे, जाने दो। हमें पता चला है ये लोग दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और इनको सजा मिलनी ही चाहिए। और ये दोनों वही हैं जिन्होंने ये मंसूब किया, इन्हें मौत की सजा मिलेगी। रोको इन्हें, रोको, ये तो हमारे लोग हैं। अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे कुछ मशवरा चाहती थी। मैं भी बाकी लोगों की तरह आपकी आवाम का हिस्सा हूँ, मेरी भी बात सुनिए। क्या बात है? मैंने कुछ उधार लिया था जिसे मैं चुका नहीं पा रही हूँ, अब वो मुझे परेशान करता है। कितना लिया आपने? 100 दरहम, अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। आपकी दरख्वास्त कबूल होगी इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात पूछूं, आपको इस्लाम अपनाने से कौन रोक रहा है? सभी लोग तो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। हाँ, मैं बूढ़ी हो चली हूँ और मेरे पास थोड़ा ही वक्त बाकी बचा है जीने के लिए। जैसी आपकी मर्जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये तुमने क्या किया उमर? किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? उस बूढ़ी ईसाई औरत से, उसे मुझसे कुछ काम था जो उसकी ज़रूरत थी, मैंने पूरी की, लेकिन फिर मैंने उसे इस्लाम अपनाने को कहा। लेकिन आपने उससे ज़बरदस्ती तो नहीं की? की क्या? मुझे डर है कहीं वो ना समझ बैठे कि मैंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। यह आपकी नीयत के ऊपर है अमीरुल मोमिनीन, आपके अमाल आपकी नीयत से मुतासिर है। अल्लाह तू जानता है जो कुछ भी मैंने किया उस पर मेरी नियत साफ थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैंने कुछ गलत किया। अल्लाह मुझे माफ़ करे। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, कहो तुमको मुझसे प्यार है। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। बोलो क्या कहती हो? क्या बात है, क्यों पीछा करते हो? तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहाँ भी ले जाए ये राहें जब तू संग है। मेरे तेरे दिल का था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूलों का खिलना। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा तुमको, मैं चुरा लूँगा तुमसे, दिल में छुपा लूँगा। सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? मुझे लगता है तुम तब तक नहीं रुकोगी जब तक तुम पर मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत? भला मेरे ऊपर कौन मुसीबत लाएगा? तुम तो लाओ ना। वो दोनों। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, आप हुक्म करें, बाकी हम देख लेंगे। इसे बस हमारे रास्ते से हटा दो, नुकसान न पहुंचाना। बस बस मोहब्बत के दुश्मनों। लेकिन तुम लोग इतने चिकने कैसे हो? ओ हाँ, समझ गया, तुम लोग तो ये भी नहीं समझते कि हम वो हैं जो इश्क में फना हो जाएंगे। अभी बताता हूँ तुझे कौन किसके इश्क में फना होता है। रुक जाओ, अगर किसी ने भी हमारे बादशाह को छूने की हिम्मत की तो अंजाम बुरा होगा। रियासत का बादशाह, आपकी खिदमत में हाजिर बादशाह यजदे जर्द इब्न शहरियार इब्न खुसरो परवीज़। क्या तुम ये देख रहे हो? लगता है कोई मुसाफिर हैं जो यहाँ ठहरे हुए हैं। चलो चलकर देखते हैं अगर कोई जरूरत हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं आ सकता हूँ? अगर कुछ है तुम्हारे पास खाने को तो आओ, वरना जाओ। ये बच्चा क्यों रोए जा रहा है? भूख से। तो इस बर्तन में आप क्या पका रही हैं? इसमें पानी है जिसे मैं घुमा रही हूँ। वल्लाही मेरे और उमर के बीच अल्लाह ही फैसला करेगा। क्या कह रही हो? अल्लाह रहम करे। उमर को इस बारे में कैसे पता? उसने हमारी जिम्मेदारी ली है और हमसे बेखबर है। मदद जल्दी आएगी खातून, यही रुके जब तक कि मैं आपके लिए कुछ लेकर नहीं आता। मेरी पीठ पर डालो, मुझे उठाने दे। कयामत के रोज भी क्या मेरा वजन उठाओगे? लाओ इसे मेरे कंधे पर। इस आटे को बर्तन में डालो और चलाओ। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं चलाता हूं ताकि इससे गाढ़ा घोल तैयार हो जाए और इससे छोटे और बड़े गुच्छे न बन जाएं। इस तरह से इसे बनाया जाता है। जाओ उन्हें खिला दो। मैं थोड़ा थोड़ा निकालता हूं ताकि ये ठंडा हो जाए। अल्लाह आपको खैर दे नेक इंसान। अगर आप अमीरुल मोमिनीन की जगह होते तो कितना अच्छा होता। सही कहा तुमने। कल तुम अमीरुल मोमिनीन से आकर मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह।